हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1/x + 1/y = 1/5 में एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करेंगे अपन। कैसे करेंगे तो आइए जान लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, एक्स और वाई का एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, और एक्स से एक्स गया तो वाई एकम, वाई प्लस वाई से वाई गया तो एक्स एकम, एक्स बराबर 1/5 आ गया। अब आ गया आपको 5 को इधर और 1 को इधर, 5 से मल्टीपल करो, वाई प्लस एक्स बराबर एक्स वाई, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं 5y + 5x = x y, यहाँ तक आ गया समझ में। अब मैं एक्स वाई को इधर लेता हूँ, x y - 5y - 5x = 0। अब मैं क्या करूँगा आगे, यहाँ तक आ गया, अब इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, लेकिन फैक्टर सीधा नहीं होगा, सीधा फैक्टर हो नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 25 25 दोनों साइड ऐड कर देता हूँ। मैं एक्स वाई में 5x को इधर लिख रहा हूँ, 5x - 5y + 25, और इधर भी मैंने 25 ऐड कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा क्वेश्चन में ना, कुछ नहीं पड़ा, 25 25 कट जाएगा, वापस वही बन रहा है, तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आपको करना है कॉमन लेना, इन दोनों में से एक्स कॉमन लो, बनेगा y - 5, इनमें से 5 कॉमन लो, बनेगा y - 5 = 25 5 = 25। अब इनमें से y - 5 कॉमन लो, y - 5 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर बना x - 5 और यहाँ पर बन गया 25। अब देखो x - 5 है एक, और एक y - 5 है, ठीक है दोस्तों, x - 5 और y - 5 है। अगर x - 5 25 है तो पक्का है y - 5 एक होगा, क्योंकि 25 यह है, एक ही है, तो 25 बन रहा है। अगर ये एक है तो पक्का होगा कि ये 25 होगा, ठीक है दोस्तों। बात तो एक ही नहीं है, 25 हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये हो सकता है, 25 एक हो सकता है। अगर दोनों माइनस के ले ली तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा, और दोनों 5 5 ले ले तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और केस बन सकते हैं, इनके अलावा क्या केस बन सकते हो, एक प्लस का एक माइनस का बन सकता है, नहीं, एक प्लस का एक माइनस का नहीं बन सकता, क्योंकि 25 प्लस का है, 25 25 25 25 माइनस माइनस कट जाएंगे, 25 5 25 25, इन तीन के अलावा कोई केस बन रहा है क्या। आप बोलोगे कि 1/25 भी तो बन सकता है, तो ये 1/25 ही तो है, माइनस का लगे तो क्या हो गया, 1/25 ही है, इनके माइनस लगा लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब प्लस माइनस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीन केस इसके बनेंगे, और इन तीन केसों से ही आंसर अपने पास आ जाएगा। चलें चलते हैं आगे क्या होगा। -5 है इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, नीचे -5 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 25 से 5 50, और 50 के 30 30, और 5 - 1 + 5 4, 5 + 5 10, 1 + 5 6, 5 उधर जाएगा, -25 + 5 - 20, और -5 + हो जाएगा +10, तो एक्स और वाई जो आ गए अपने पास वो आ गए 30 6 4 - 20 और 10 10, ये आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये तीन केस बना दिए मैंने, और फिर
पाँच को उधर पक्षांतरण कर दिया, फिर ये लिख दिया और अब तीन केस बन गए 30 से के 4 माइनस 20 का 10 10 का, ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, अब एक्स वाई की वैल्यू आ गई, अपन को फाइंड आउट क्या करना था, यही तो फाइंड आउट करना था एक्स और वाई की वैल्यू। लेकिन पता है क्या ये तीनों सही है, अपन मान रखेंगे इससे क्वेश्चन में, और अगर आंसर सही आता है तो हम बताएंगे कि ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू सही है। तो रखो मान 30 और 6, 30 रखो और 6 रखो, 1/30 प्लस 1/6, तो इधर रख देता हूँ मैं 1/30 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम 30, 30 से 30 गया 1 प्लस 6 5 30, 5 6/30, 6 6 5 30 बराबर 1/5, 1/5 1/5 RHL बराबर LHL। तो मतलब ये साबित हो गया कि 3 से सही है। ऐसे ही 4 माइनस 20 रखो, 4 और -20 रखो, 1/4 माइनस का 1/20 बराबर 1/5, ठीक है। अब मैं रख देता हूँ आगे 20 LCM ले लेता हूँ, 20 4 5 20 -20 से 20 गया 1 बराबर 1/5, ठीक है। 5 में से 4/20 बराबर 1/5, 1/5 तो ये बराबर वाला है और 1/5 ही आ गया, 1/5 बराबर 1/5, ये भी सिद्ध हो गया कि ये भी सही है। और 10 10 वाला आप खुद कर सकते हो, 1/10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा 10 LCM आ जाएगा, ऊपर 1 1 प्लस 1/10 तो 2/10, 2 से काटो 10 को 5 बार, 1/5 आंसर आ गया, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है। अब आपका जो आपने जो यहाँ पर सोचा होगा कि 1 और -25 और -25 और 1 भी आ सकते, तो वो तो आ ही नहीं सकते, 1 प्लस का 1 माइनस का तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि 25 केवल प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है, अपन को प्लस का या दोनों माइनस का लेना है, तो यही केस बनेगा और कोई सा केस नहीं बन सकता। आप इसको उल्टा कर, आप सोच रहे होंगे कि इनको उल्टा भी कर सकते हैं, ये -25 -1 है, इनको -25 -1 ले लो और 25 1/25 ले लो, तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तीन केस बनेंगे, और आपको लग रहा है कि क्या नाम 1/25 से भी आंसर आ जाए शायद, देखो 1/25 मैंने ले लिया, तो ये भी तो 25 ही बन रहा है, ये भी तो 25 ही बन रहा है 1/25, तो रखो एक्स का मान 1 रखो और वाई का मान 25 रखो, ठीक है, तो बराबर 1/5, तो 25 1 25 1 26, तो इससे आंसर नहीं बन रहा। तो आंसर क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पर जो एक्स है वो एक्स ग्रेटर देन वाई है, जो एक्स है ग्रेटर देन वाई है, इसलिए नहीं बन रहा। और क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा एक्स ग्रेटर देन वाई है, इसलिए अपन ने ये लिखा है। इस क्वेश्चन में अपन को समझना होगा ये बात कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, वरना इसलिए तो एक्स को मैंने हमेशा ज़्यादा रखा है, 25 -1 25, मतलब 25 1 से ज़्यादा है, -1 -25 से ज़्यादा है, और 5 5, हाँ, और एक बात एक्स बराबर वाई भी है, ये दो कंडीशन इस क्वेश्चन में लग रही है। आप कंडीशन लिख सकते हो, कंडीशन या शर्त, आप इस क्वेश्चन की कंडीशन लिख सकते हो और आगे ये लिखोगे, आगे की प्रोसेस होगी, ताकि आप 1/25 और -25 और -1 को इंक्लूड नहीं करो, क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स बराबर वाई से ही इसकी वैल्यू सही आएगी, एक्स लेस देन वाई से इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। हमने अभी किया ना 26/25 बराबर 1/5 बराबर होते क्या, नहीं होते, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, इस कंडीशन से आंसर आता है, और ये कंडीशन अपन को लिखनी पड़ेगी जब हम ये सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, इससे पहले अपन को ये कंडीशन लिखनी होगी और फिर आगे ये सॉल्व हो जाएगा, फिर ये तीन आंसर आएंगे सॉरी ये तीन आंसर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कंडीशन पता चल गई होगी क्या कंडीशन लग रही है, इसलिए इनको हमने इन दोनों
केस को कैंसिल किया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करो, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।